गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी अपनी स्किन से झुर्रियों को दूर करना चाहते हैं, आपकी स्किन पे जो काली परत यानी डेड लेयर जो आ गई है उसको दूर करना चाहते हैं, या अपने स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा सुधारना चाहते हैं, अपने फेस पे नेचुरली ग्लो लेकर आना चाहते हैं, तो आज का मेरा ये वीडियो बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए है। मैं आपसे ये कहूंगी, अगर कोई टीनेजर गर्ल है या वो 25 साल की हो चुकी है या फिर हम 60 साल के, तो भी इस दो स्टेप को फॉलो करके आप सारी लाइफ लॉन्ग अपनी स्किन को बहुत यूथफुल, जवान, टाइट और ग्लोइंग बना सकते हैं 101%। ये आपकी स्किन से सारे ब्लिमिशेस को, सनबर्न को और जितनी भी अगर आपकी झाइयां या पिंपल के मार्क्स हैं उनको भी रिमूव करेगा। तो प्लीज ये दो स्टेप्स डेली फॉलो करना, ये आपकी झुलसती हुई गर्मी में भी आपका साथ देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले लेने हैं हमें 5 चम्मच चावल। चावल को हमने पानी में अच्छे से भिगो के रख देना है धोने के बाद। कम से कम इसको आप पूरी रात के लिए पड़ा रहने दें। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो इसका पानी फर्मेंटेड हो जाएगा, इसके ऊपर एक वाइट लेयर आ चुकी होगी पानी में, यानी चावल का जितना भी असर है उस पानी में आ चुका है। और ये नॉर्मल पानी जो आपने रात को भिगोया था, ये वो नॉर्मल पानी नहीं रहा, बल्कि ये पानी आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे, पिंपल, एक्नी मार्क्स, झाइयों के मार्क्स, आपकी स्किन पे जो बुढ़ापा आ चुका है उसको दूर करेंगे, और आपकी स्किन पे जितने भी पिगमेंटेशन आ चुकी है उसको भी रिमूव करेंगे। अब क्या करना है आपको, उसको छन्नी की मदद से छानकर एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए। आप ऐसा एक हफ्ते तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। रोजाना सुबह नहाने के बाद आपको अपने फेस पे इसको स्प्रे करना है, और रात को सोने से पहले इसको स्प्रे करके सोना है। अच्छे से मसाज करिए, उसके बाद सो जाइए। अगर आपको फिर भी इनकन्वीनियंट फील हो रहा है तो आप ऐसा करें, 15 से 30 मिनट के लिए इसको अप्लाई करें मिनिमम, उसके बाद नॉर्मल पानी से धोकर अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाकर सो जाएं। ये हुआ पहला स्टेप जो आपको रोजाना फॉलो करना है। गर्मियों में आपकी स्किन का टेक्सचर इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की, यानी फेस मास्क की। ये तो हुआ हमारा टोनर रेडी। दूसरा फेस मास्क आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। इसके लिए जो आपके चावल बचे थे उनको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं गर्मी के सीजन में। उसमें से 1 चम्मच आपको एक कटोरी में निकालना है। उसमें आपको डालना है 2 चम्मच नारियल का तेल, आधा नींबू का जूस और साथ में 1 चम्मच एलोवेरा जेल का। इनको अच्छे से मिक्स करना है, और इसका पेस्ट आपको अपने फेस पे, नेक पे, जहां भी आपकी पिगमेंटेशन है, जहां भी आपकी काली परत आ चुकी है आपकी स्किन पर, आपकी स्किन गर्मी से झुलस चुकी है, एकदम डार्क हो चुकी है, वहां पे आप इसको लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से मलें और अपना चेहरा धो लें। धोने के बाद कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप का है उसको अप्लाई करें। इसको रात को करना है सोने से पहले। जब आप घर आते हैं अपने फेस को पहले अच्छे से क्लींस करें, उसके बाद इस पैक को लगाएं। आप गारंटी देती हूँ इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा ना कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी कि आपके फेस पे इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा आपको, इंस्टेंट। अगर आपकी कितनी भी ज्यादा पिगमेंटेशन है ना, इंस्टेंट आपको उसका व्हाइटनिंग इफेक्ट अपने फेस पे दिखेगा। और मैं तो आपसे कहूंगी कि हर लेडी को ये दोनों स्टेप फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो एजिंग है, जो आपके फेस पे फाइन लाइन रिंकल्स की समस्या है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास फट से नोटिफिकेशन आ जाए कि ईशा कुछ बेहतरीन लेकर आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।